हिमाचल प्रदेश राज्य XCAPF ने बोर्ड के संचालन से मांग की है। एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन ने बोर्ड को शीघ्र संचालन करने की मांग उठाई है। साथ ही एसोसिएशन ने पेंडिंग पड़ी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाने की अपील भी की है। इस अवसर पर एसोसिएशन के राज्य कन्वीनर भूप सिंह सकलानी ने बताया कि एसोसिएशन पिछले काफी लंबे समय से बोर्ड की संचालन की मांग करता रहा है, मगर अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी कुछ लंबित मांगे हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब वेलफेयर बोर्ड का गठन कर दिया है, उसका संचालन नहीं हो पाया है। हालांकि CM साहब ने दो बार जो है एडिशनल सेक्रेटरी को चिट्ठी दे के रखी है कि उसका संचालन शुरू किया जाए, उसके बावजूद भी अभी तक जो है इसका संचालन नहीं शुरू हो पाया है। और लाखों हिमाचल के जो पैरामिलिट्री के 5-6 फोर्सेज के जो मतलब हमारे रिटायरी हैं और सर्विंग वाले भी हैं, वो अभी मतलब उन सुविधाओं से वंचित हैं जो वेलफेयर बोर्ड की तरफ से जो है हमको मिलनी चाहिए। इसलिए आज जो है हमने मेमोरेंडम जो है CM साहब को DC साहब के माध्यम से दिया है, ताकि हमारी जो वेलफेयर बोर्ड का जो गठन किया है उसका संचालन यथाशीघ्र जो है करवाया जाए, क्योंकि उसका समय जो है 24 जुलाई को 3 साल का टाइम पूरा हो रहा है। और इसके बाद भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अगले 3 साल के लिए इसकी जो है फर्दर नोटिफिकेशन ली जाए। इसके अलावा क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है हमारे उस नोटिफिकेशन के आधार पर हमारे वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो चेयरमैन से हमने रिक्वेस्ट की है कि कुछ मसले हमारे सेंटर के साथ हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा का एक मेडिकल सेंटर मंडी के लिए प्रपोजल में आ गया है लेकिन उसका संचालन नहीं हो पाया है, तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं पहुंच पा रही है। और आए दिन जो है हमारे साथी जो है बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के स्वर्ग सिधार रहे हैं। तो हिमाचल सरकार की तरफ से को हमने रिक्वेस्ट किया है कि मतलब एक बहुत बड़ा नोबल काउज है, ये बहुत बड़ा चैरिटेबल वर्क है कि बोर्ड का जो गठन हुआ है उसका संचालन जो है यथाशीघ्र हो।